हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले जमशेदपुर जगलर्स और यहां पर सिंगबन स्ट्राइकर्स के बीच में होने वाले आज के तीसरे मतलब और जो टूर्नामेंट का है और झारखंड T20 टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है, आज के दिन का पहला मुकाबला है। दोनों ही टीम्स पिछले एडिशन में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर कर आई थी, बट यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे दोनों टीम्स के, कौन से प्लेयर्स आपके लिए बढ़िया हैं, कौन से नए प्लेयर्स आए हैं और कौन से पुराने प्लेयर्स ने क्या परफॉर्म करा है। उससे पहले ऊपर आई सेक्शन में आपको इंडिया और श्रीलंका की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जल्दी से जाओ ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करो और आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर हम इस टीम की और इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तीसरा मुकाबला खेला जाएगा जमशेदपुर जगलर्स और यहाँ पर स्ट्राइकर्स के बीच में JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। आपने दो मुकाबले इसी पिच के ऊपर लाइव देखे हैं, रन्स भी बन रहे हैं प्लस विकेट्स भी गिर रही हैं और एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी, स्लो रन्स बन रहे हैं। 9 बजे आपको इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैच लाइव देखने को मिलेगा, फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। तीसरा मुकाबला है टूर्नामेंट का, पिछले साल जमशेदपुर जगलर्स ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही थी, 10 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही मुकाबले जीते थे, 12 पॉइंट्स थे टोटली इनके पास। और अगर आप देखोगे तो स्ट्राइकर्स के पास भी बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही थी पिछले साल 5वें पायदान पर थे 16 पॉइंट्स के साथ। और अगर आप देखोगे तो जी इन्होंने कितने मुकाबले जीते थे, 4 मुकाबले इन्होंने जीते थे, तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रही थी, नॉकआउट्स तक भी नहीं पहुंच पाए थे दोनों की दोनों टीम। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने आपको पहले दोनों मुकाबलों में बताया था कि जी स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है, ऐसे ही तीसरे मुकाबले में भी आपको स्पिनर का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। 140 के करीब रन्स बन रहे हैं और इतने ही आपको बनते हुए दिखेंगे भी, क्योंकि अगर आप देखो पिछले साल का भी रिकॉर्ड निकाल लो, 130 140 मैक्सिमम जो रन बने थे ना वो 160 बने थे इसके इस पिच के ऊपर, उससे ज़्यादा रन्स बने ही नहीं थे पिछले साल भी और विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरी थी। जमशेदपुर जगलर की अगर आप बात करो तो आपके पास सागर सबसे पहला प्लेयर, उसके बाद विवेक कुमार, अरविंद कुमार, फिर उसके बाद यू सेठी आपके पास है, रहील खान, फिर उसके रंजन दीप सिंह आपके पास है, राहुल प्रसाद, अतुल सिंह सरवार, विशाल सिंह, उसके बाद जसकरण सिंह और आशीष कुमार। जमशेदपुर जगलर्स की अगर आप बात करो 10 मैचेस में रन्स अगर आप देखो 130, हाई स्कोर 44, एवरेज 14 का है, स्ट्राइकेट 99, चौके 8 जड़े हैं और छक्के 6 जड़े थे पिछले एडिशन में, ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी बट इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही थी। विवेक कुमार 10 मैचेस में रन्स अगर आप देखो 147 करे थे, हाई स्कोर इसका भी 44 का था बट इसकी एवरेज जो थी वो 16 की थी, चौके 18 और छक्के 3। जसकरण सिंह की अगर आप बात करो 6th हाईएस्ट विकेट टेकर था पिछले एडिशन में, 33 ओवर्स में 13 रन करे, बट अगर रन्स की बात करोगे 33 ओवर्स में 13 विकेट चटकाए बट रन्स की बात करोगे तो 10 मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 27 रन। मिथुन कुमार 4 मैचेस में अगर आप देखो तो ओवर 12 और विकेट 4, 3 विकेट और एक बार इकनॉमी जो रही वो 6 की रही। संकट मोचन की अगर आप बात करो, नया प्लेयर है, पिछले साल एक भी मुकाबला नहीं खेला था, 17 मैचेस में रन्स 37, हाई स्कोर 10 का है, ओवर 62, विकेट 18 और 3 विकेट हॉल 2 बार, एक बॉलर आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। उमंग सेठी आपके पास है 6 मैचेस में रन्स अगर आप देखो तो 229, हाई स्कोर 82, एवरेज 42, स्ट्राइक रेट 72। उसके बाद आशीष कुमार 9 मैचेस में रन्स अगर आप देखो 18, हाई स्कोर 10, एवरेज 6, स्ट्राइक रेट 81, ओवर 31 और विकेट 6। तो आपको ये देखकर चलना है कि आशीष कुमार की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं थी। अतुल सरवार की अगर आप बात करो 10 मैचेस में रन्स अगर आप देखो तो करीब करीब 140, हाई स्कोर 32 का, एवरेज 17, स्ट्राइक रेट 86, चौके 9 जड़े हैं, छक्के 6, ओवर 28 और विकेट 9। राहुल प्रसाद 10 मैचेस में रन्स अगर आप देखोगे तो इसने 40 करे थे, हाई स्कोर अगर आप देखो 18, एवरेज 8 का है, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो यहाँ पर 86, ओवर 10 और विकेट 10, 3 विकेट हॉल एक बार, 10 ओवर्स में 10 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि 3 विकेट हॉल भी पिछले साल इसने चटकाई थी। रंजन दीप सिंह की अगर आप बात करो 11 मैचेस में रन्स अगर आप देखो 145, हाई स्कोर 31 का है, एवरेज 18, स्ट्राइक रेट 127, चौके 9, छक्के 8। विशाल सिंह सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी रही थी, 11 मैचेस में 262 रन, हाई स्कोर 48 का, एवरेज 29 की, स्ट्राइक रेट 81, चौके 21, छक्के 6, ओवर 16, विकेट 5 और 2 विकेट हॉल एक बार, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहा था लास्ट एडिशन में। अरविंद कुमार की अगर आप बात करो 8 मैचेस में रन 51, हाई स्कोर 24, एवरेज 12, स्ट्राइक रेट 78 और छक्के जड़े हैं वो 7 जड़े हैं। उसके बाद सागर 9 मैचेस में रन अगर आप देखो तो 170,
हाईएस्ट स्कोर 52 का, एवरेज 21 स्ट्राइकेट 80, चौके जड़े हैं वो 14 और छक्के जड़े हैं वो 2, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है सागर की भी। सागर को भी आप ट्राई कर सकते हो, इसकी सिलेक्शन भी ठीक ठाक ही है। अब अगर आप यहाँ पर सिंगबम स्ट्राइकर्स की बात करोगे तो बेन आपके पास है, उसके सुमित कुमार, अंकित राज सिंह, बालकृष्णा, फिर उसके बाद अजय यादव, आर्यमान लल्ला आपके पास है, कुमार करण, शरणदीप सिंह, अंकित कुमार, फिर उसके बाद विक्रम आपके पास है, अमरदीप सिंह आपके पास है। अब अगर आप देखो अंकित कुमार 4 मैचेस में रन 9, हाईएस्ट स्कोर 6, एवरेज 4 और स्ट्राइक रेट 69। हर्षित नामदेव 21 मैच में रन अगर आप देखो तो 716, हाईएस्ट स्कोर 174, एवरेज 37, स्ट्राइक रेट 105, ओवर 55, विकेट 14। कुमार करण 3 मैचेस में रन 36, एवरेज 12, स्ट्राइक रेट 109, चौके जड़े हैं वो 3, छक्के जड़े हैं वो 2। एक ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए, बट पिछले साल जो खेले थे इसने सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले खेले थे। शरणदीप सिंह 5 मैचेस में रन अगर आप देखो तो 117, हाईएस्ट स्कोर 44, एवरेज 23 का है, स्ट्राइक रेट 87, चौके 10 और छक्के 3। फिर उसके डब्ल्यू बैंक की अगर आप बात करो, 10 मैचेस में रन अगर आप देखो 231, हाईएस्ट स्कोर 42, एवरेज 25, स्ट्राइक रेट 85, चौके 14 और छक्के 3। अजय यादव 9 मैचेस में रन्स 2 करे थे, बट अगर आप ओवर देखोगे तो 31 और विकेट जो चटकाई थी वो 6। आर्यमान लल्ला 10 मैचेस में रन्स 1, ओवर 33, विकेट 3, 3 विकेट 9, 3 विकेट हॉल एक बार। बालकृष्ण 10 मैचेस में 46 रन, हाईएस्ट स्कोर 15, एवरेज 5, स्ट्राइक रेट 83, ओवर 31, विकेट 12, 3 विकेट हॉल एक बार। प्रतीक भकट आपके पास है 5 मैचेस में रन अगर आप देखो तो 38, हाईएस्ट स्कोर 28, एवरेज 9, स्ट्राइक रेट 100। उसके बाद अमरदीप सिंह 3 मैच में रन्स 2, स्ट्राइक रेट 50, अमित कुमार 5 मैचेस में रन्स 33, हाईएस्ट स्कोर 19, एवरेज 16, स्ट्राइक रेट 137, चौका 1, छक्के 2। उसके बाद विक्रम आपके पास है, विक्रम देखो बॉलिंग में बढ़िया रही है बट बैटिंग इतनी बढ़िया रही नहीं, ओवर 34 करवाए पिछले साल और उसमें 7 विकेट चटकाई। अंकित राज सिंह 4 मैचेस में रन्स 53, हाईएस्ट स्कोर 42, एवरेज 13, स्ट्राइक रेट 76, चौके 5 और छक्के 1। सुमित कुमार एकमात्र ऐसा प्लेयर है देखो जिसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर दिया हो यहाँ पर, डब्ल्यू बैंक के बाद ना जो प्लेयर है जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इस टीम के लिए वो सुमित कुमार ही है। 7 मैचेस में अगर आप देखोगे तो रन अगर आप देखो ना इसके तो 172 हैं, हाईएस्ट स्कोर 54, एवरेज 34, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो 116, चौके 18, छक्के 7, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्लस ऊपर आई सेक्शन में आपको इंडिया श्रीलंका की वीडियो देखने को मिल जाएगी, ए राज, एस कुमार और एस सागर। देखो एस सागर इज़ अ गुड पिक, एस सागर की सिलेक्शन कम है बट आप स्टिल ट्राई कर सकते हो, ए राज की अभी के लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है। अब वो आपके ऊपर आप किस प्लेयर को लेकर जाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी अटपटी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको ना फेवरेबल टीम जो बनानी पड़ेगी वो जमशेदपुर के फेवर में बनानी पड़ेगी। वी कुमार, डब्ल्यू बैंक, ये दोनों प्लेयर्स बहुत तगड़े हैं। एस सिंह, रहील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक कुमार के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। बॉलिंग आपको करवा कर देकर जाएगा, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर ए सिंह सरवार, आर प्रसाद, वी सिंह और यहाँ पर ए सिंह तक के प्लेयर्स आप ले सकते हो जिसकी 58% सिलेक्शन है, उसके नीचे नहीं। अमरदीप तक की ले सकते हो, वी विक्रम आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। जे सिंह, ए लला, देखो ए लला की परफॉर्मेंस, आर्यमान लला की परफॉर्मेंस पिछले साल ठीक ठाक रही थी बट बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी। बालकृष्णा ने एक बार 3 विकेट हॉल चटकाई थी पिछले साल और उसके बाद इसके 2-3 मुकाबलों में ना सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रही थी, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। बालकृष्णा कैन बी अ गेम चेंजर इन दिस मैच, बट अभी के लिए कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा है इस प्लेयर को। नीचे अगर आप आओगे तो ए कुमार का मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले टीम की, एस सागर एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनसी जो दे रखी है वो दे रखी है वी सिंह, उसके बाद एस कुमार, डब्ल्यू बैंग, उसके बाद एस सिंह, आर खान, ए सिंह, वी विक्रम, उसके बाद जे सिंह, ए लल्ला और यहाँ पर बी कृष्णा आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई सेक्शन में आपको इंडिया श्रीलंका की वीडियो देखने को मिल जाएगी। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी जो यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है डब्ल्यू बैंक, वाइस कैप्टनसी बालकृष्णा, एस सागर, उसके बाद राज, के करण, आर सिंह, वी विक्रम, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आर प्रसाद, वी सिंह आपके पास है, ए यादव और यहाँ पर जे सिंह। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, ऊपर आई सेक्शन में आपको इंडिया और श्रीलंका की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।